हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मूंग दाल का हलवा की रेसिपी लाई हूँ। तो आज हम मूंग दाल का हलवा बनाएंगे। तो देखिए, ये कटोरी के मेजरमेंट का मैंने मूंग दाल लिया हुआ था। ये कटोरी का समझ जाओ 150 ग्राम है। तो उसी का नाप का मेजरमेंट से हम शक्कर लेंगे उतनी ही। तो इतने ही नाप का हम घी लेंगे कढ़ाई में। कढ़ाई मेरी गर्म हो रही है, तब उसमें घी डालेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने घी डाल दिया है। अब इसे थोड़ा सा हम मेल्ट कर लेंगे घी को। अब इसमें हम ये मूंग दाल डालेंगे। पीसी से हम फुला के रख देंगे 2-4 घंटा, फिर इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद हम कढ़ाई में डालेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, हम पहले मूंग दाल नहीं डालेंगे इसमें। ये जो मैंने रवा 1 चम्मच और 1 चम्मच बेसन लेके रखी हुई, इसे हम पहले डाल के मिक्स करेंगे। आप बेसन के जगह आटा भी ले सकते हो, इससे हमारे कढ़ाई पे मूंग दाल वो नहीं होगी, फटेगी नहीं और बहुत अच्छा बनेगा। तो हम इसे डाल देते हैं आराम से और जल्दी जल्दी घोलेंगे। इसमें थोड़ा वो नहीं होना चाहिए, अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए। ये रवे डालने से दानेदार हलवा बनेगा हमारा, बहुत अच्छा हलवा लगेगा खाने पे। तो इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे ही सेक लेंगे। गैस थोड़ी तेज कर देंगे। जब हम मूंग दाल डालेंगे तो हल्के हाथों से ही इसे राउंड राउंड करेंगे, ताकि हमारे इसमें गुलटियाँ ना आए। हमें इसे रोकना नहीं है, पूरे एनी टाइम इसे चलाते रहना है। और जब मूंग दाल हम डालेंगे इसमें तो तब तो और चलाना पड़ेगा। तब तक के लिए हम एक पतीले पे शक्कर उसकी चाशनी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक कटोरी में इसमें शक्कर डालूंगी, चीनी, और जितना हम शक्कर डालेंगे उतना ही एक कटोरी पानी डाल देंगे। देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम मूंग दाल डाल देंगे। देखिए मूंग दाल को ऐसे ही हम डुलाते रहेंगे, थोड़ा चिपक गया है पर ये कुछ नहीं, धीरे धीरे घी छोड़ने लगेगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। तब तक हमारी चाशनी पक के रेडी हो गई है। और हम चाशनी में डाल देंगे थोड़ा सा केसर, अगर केसर नहीं है तो फिर हम जलेबी का कलर डाल देंगे, ऑरेंज कलर, और थोड़ा सा इलायची। देखिए मेरा हलवा ऐसा बन रहा है। अभी धीरे धीरे ये घी छोड़ देगा, पूरा ऐसे पानी टाइप का हो जाएगा। इसे अच्छे से डुलाते रहना है, ताकि बहुत अच्छा सा हम इसमें कोई भी अपना ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे मैंने ये सब लेके रखे, काजू, किशमिश, बादाम। हम ये चाशनी में इतना सा ऐसे कलर डाल देंगे, ऑरेंज कलर। इसे पूरा ब्राउन होने तक हमको भूंजना है, और पूरा धीम गैस को करते ही भूंजना है, ताकि हमें बहुत अच्छा हलवा बने, नहीं तो से गुठलियाँ रह जाती हैं इनमें। डुलाते ही रहना है, धीरे धीरे घी आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरा ऐसे ही हुआ है। इसे कम से कम 30 मिनट तक हमें चलाना है। अभी तक मेरा ऐसे ही पका है, धीम धीम गैस में पकाना है तो बहुत टाइम लगेगा फ्रेंड्स, बट जब पकेगा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा बनेगा। थोड़ा ब्राउन हो गया है हल्का हल्का, तो और ब्राउन करना है हमें, जब तक उसमें घी ना छोड़ दें। देखिए फ्रेंड्स, ब्राउन हो गया है, तब तक मैं अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ इसमें। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हो गया है, देख सकते हैं घी छोड़ दिया है और शाइन करने लगा है। देखिए फ्रेंड्स, घी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें जल्दी से अपना चाशनी डाल दूंगी और फटाफट से उसे बुलाएंगे। इसे ऐसे ही पूरा पकाते रहेंगे जब तक ये पूरा हलवा टाइप नहीं बन जाता, गाढ़ा ना हो जाता, फिर खाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरा हलवा रेडी हो गया है, अब इसे हम सर्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा हलवा बना है। आप भी घर में ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।